नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन आपको आदिकाल के बारे में बता रही हूँ। आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं मैंने आपको बताई थी, और इसी श्रृंखला में मैं आपको हिंदी आदिकालीन साहित्य की अन्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि आदिकालीन साहित्य जो था वो चारण कवि ज़्यादातर रच रहे थे, और वो अपने युद्धों का वर्णन उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक किया। और इसी प्रकार से ही इसकी जो एक और साहित्य की विशेषता है उसमें है कि संकुचित राष्ट्रीयता, क्योंकि वीर गाथाओं के रचयिता चारण कवि थे और इन्होंने अपने आश्रयदाता की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इन्होंने उचित और अनुचित का विचार भी नहीं किया है। छोटे छोटे राजाओं, सामंतों और व्यक्तियों को भी इन्होंने सूर्य के समान प्रतापी चित्रित किया है, क्योंकि उस समय क्या था कि राजा जो थे वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे थे। वो एक 5, 6, 10, 20 गांवों को ही अपना राष्ट्र समझ लेते थे, और यदि पड़ोस के राजा पे कोई आक्रमण विदेशी आक्रमणकारी करता भी था तो वो उसकी बजाय सहायता करने के और प्रसन्न होते थे कि चलो वो पराजित हुआ। तो इस तरह की संकुचित राष्ट्रीयता के कारण बहुत सी समस्या पैदा हुई थी, और इसीलिए विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ जीतने का मौका मिला। तो ये जो थे छोटे छोटे राजा और सामंत, इन सब को बहुत इन कवियों ने बहुत बड़ा बना दिया था और सूर्य के समान इनको प्रतापी बता दिया था। तो इतिहास में जिस जयचंद्र और को देशद्रोही कहा जाता है, मधुकर कवि और भट्ट केदार जैसे कवियों ने उनकी प्रशंसा में ज़मीन आसमान एक कर दिया था। तो उस समय जो राष्ट्र शब्द था वो अत्यंत ही सीमित और संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता था। 10-5 गांवों का समूह ही उनके लिए राष्ट्र और आश्रयदाता ही राष्ट्र पुरुष था। दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, कालिंजर भिन्न भिन्न राष्ट्र थे, और ये कवि इन राजाओं को एक दूसरे से युद्ध करने के लिए भड़काते थे। ये देश का दुर्भाग्य था कि राष्ट्र को इतने संकुचित अर्थों में ग्रहण किया गया। यही कारण था कि जब कोई विदेशी आक्रांता एक राजा पर आक्रमण करता तो दूसरा ये जानकर शांत बैठा रहता कि मेरा राष्ट्र तो सुरक्षित है। ये स्वयं भी पड़ोसी राजा के पराजय का पर प्रसन्नता का अनुभव करता था। परिणाम स्वरूप विदेशियों ने एक के बाद एक राजा को हस्तगत कर लिया को, और इस काल को उस राज्य को उन्होंने ले लिया, और इस काल के सभी वीर का इसी प्रकार की संकुचित राष्ट्रीयता का बोध कराने वाले हैं। तो ये जो था जिसकी प्रवृत्ति, इसकी विशेषता आदिकालीन हिंदी साहित्य की, उसमें जो है एक बहुत ही प्रमुख विशेषता ये है कि संकुचित राष्ट्रीयता थी। चारण कवि ने जो रचनाएँ लिखी हैं उसमें राष्ट्रीयता का सर्वथा अभाव है। और अगली विशेषता है कि जनता से अलग थलग, जनमानस से अलग बिल्कुल लिखा गया साहित्य। जो साहित्य लिखा गया इन गाथाओं में सामंतों, राजाओं, रनिवासों और उनके आचार व्यवहार, ऐश्वर्य वैभव का चित्रण है। सामान्य मनुष्य को इसमें कहीं कोई महत्व नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं है। तो इनमें तत्कालीन समाज की जो वस्तु स्थिति है उसका लिखा जोखा भी नहीं है। राजाओं और सामंतों को समाज का मुखिया तो माना जा सकता है, किंतु उनके तौर तरीकों से आम जनता के जीवन स्तर, हाल व्यवहार को नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उससे सिर्फ राजाओं के बारे में ही जाना जा सकता है। तो इन काव्यों में जनजीवन के विशद चित्र उपलब्ध नहीं होते हैं, और ये तो एक तरह से अपने सुख के लिए ही, उसी उद्देश्य के लिए ही लिखा हुआ काव्य दिखाई देता है। तो ये जो काव्य था
वो जनता से अलग थलग था, क्योंकि राजाओं और रनिवासों सामंतों का ही इसमें उनके ही आचार व्यवहार और वैभव ऐश्वर्य का वर्णन है, तो जनता से कहीं इसका संबंध दिखाई नहीं देता है। साहित्य का इसमें इसकी एक प्रवृत्ति ये भी है कि ये जनता से अलग थलग सा ही हमको दिखाई देता है। तो और साथ में इसमें जो विशेषता एक ही है कि इन्होंने खूब आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, जितने भी कवि हुए हैं, क्योंकि रासों जो ग्रंथ रचे गए उनके रचयिता चारण कवि कहे जाते थे, और उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशंसा की है और उन्हीं की प्रशंसा में काव्य की रचना करना वो अपना धर्म समझते थे। तो अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता और उसको श्रेष्ठ साबित करना इनका उद्देश्य था। तो जो इन्होंने राजा की वीरता का वर्णन किया है वो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है, और उसी तरह से बढ़ा चढ़ा के इन्होंने वर्णन किया है। तो इन चारणों की जो प्रमुख विशेषता है यही है कि इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में बहुत ही बढ़ा चढ़ा के काव्य रचा है, और दरबारी होने कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाताओं के शौर्य यश वैभव और काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, और इस प्रकार से उन्होंने इन काव्यों की रचना की है। तो हमने देखा बच्चों कि जो आदिकालीन साहित्य है वो विभिन्न विशेषताएं लिए हुए है, और इसी श्रृंखला में मैं आपको आगे और का इसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। आप मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको, जो भी मैंने अभी आपको ये इसकी साहित्य की विशेषताएं बताई हैं आदिकालीन साहित्य की। और अगले वीडियो में अन्य विशेषताएं बताऊंगी मैं आपको। फिर भी कोई प्रश्न है आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये जो सेशन है ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। अगले वीडियो में मैं आपको आदिकाल की और प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी। नमस्कार।